हरे कृष्णा, सो वेलकम टू श्रीमद् भगवद गीता सेशन। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 5 पर। तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो उसका टाइटल है निष्काम कर्म योग। तो इससे पहले जो चर्चा हुई है वो है सकाम कर्म योग पे हुई है, फिर ज्ञान योग आया विच इज वाज द 4th चैप्टर, और उसके बाद अभी आ रहा है निष्काम कर्म योग। तो अब अर्जुन का डाउट आने वाला है कि क्या डाउट आता है, आइए देखते हैं। सो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ओके, एंड देन श्री भगवान ने उत्तर दिया। अब भगवान उत्तर देंगे इनका डाउट का। अब इनको कंफ्यूजन नहीं हो रही कि ना भगवान एक तरफ आप कहते हुए मैं एक्टिविटी करूं। ओके, इनका 3rd चैप्टर में डाउट था, तो भगवान ने क्या किया, उसमें एक्शन को भी समझा दिया और नॉलेज को भी समझाया। 3rd चैप्टर में एक्शन को समझाया, 4th चैप्टर में नॉलेज को समझाया। कहते हैं लेकिन भाई इनमें करना क्या है अब, मतलब 3rd को फॉलो करूं मैं या 4th को फॉलो करूं, मैं शुड आई फॉलो 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर? भगवान मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं क्या करूं? क्योंकि अर्जुन को कंफ्यूजन ये है कि ना ज्ञान का मतलब है अब बस किताब लेके बैठना है, अब सब काम धाम छोड़ देने, यह सारे काम धाम छोड़ दो और किताब अब खोल के बैठ जाओ और भले ही उस पर झपकी मारो लेकिन अब बस पढ़ना। तो अब मुझे एक्शन करना है या किताब खोलनी है? किताब खोलूंगा तो मैं एक्शन नहीं कर पाऊंगा, एक्शन करूंगा तो मैं किताब नहीं खोल पाऊंगा। भगवान मुझे करना क्या है, हम कंफ्यूज्ड। भगवान ने कहा ओके ऑलराइट, अब अगला श्लोक आता है, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे जी। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, ओके, यानी कर्म का परित्याग मतलब छोड़ दिया मैंने घर बार बीवी बच्चे सब छोड़ छाड़ दिए और फिर किसी पहाड़ी पे जाकर किसी गुफा के अंदर जाकर के मैंने तपस्या कर लीजिए। ओके, एक तो ये है कर्म का परित्याग, तथा भक्तिमय कर्म यानी भक्ति भाव के साथ वी डू एक्शन, जो कि यहां कर्मयोग से फिलहाल हाईलाइट किया गया है। कर्मयोग इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ भक्ति योग, ठीक है जी। तो उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कर्मयोग में जैसे हमने चर्चा की थी, रीजन बीइंग कर्मयोग के अंदर और भक्ति योग में बेसिकली अंतर क्या है, जो मैं बता रहा हूं कि कर्मयोग जो है वो भक्ति का अपरिपक्व रूप है विच इवॉल्व इन टू भक्ति योग। होता क्या, कर्मयोग के अंदर कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है, फल तो देता है, फ्रूट्स तो देता है भगवान को, तो फ्रूट्स ऑफ हिज एक्शन, ठीक है जी। लेकिन एक्शन वो करता है जो उसको पसंद है, ठीक है, यानी कि सेवा की भावना नहीं होती, जो उसको लगता है अच्छा वो कर लेता है, दैट्स इट। तो दैट इज फ्रूट्स तो देता है, ये अच्छी बात है, लेकिन करेगा वो जो उसको अच्छा लगता है, सो दैट मीन्स मन मर्जी करता है वो, ठीक है। ही हैज गॉट हिज ओन नेचर, सो ही इज कंडीशनड बाय हिज ओन नेचर, तो नेचर के अनुसार जो उसको पसंद आएगा वो करेगा, जो नहीं पसंद बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन भक्ति योग इज मोर इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ कर्म योगा, दिस लीड्स टू भक्ति योगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति ना सिर्फ फ्रूट्स को देता है बल्कि नेचर के अनुसार भी, नेचर के परे जाकर के भी अगर कुछ करना पड़े ना वो भी करता है। तो ये जो कंडीशनिंग है ये इसमें नहीं होती, दैट मीन्स द पर्सन इज रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो दैट इज भक्ति योगा इज मोर मैच्योर फॉर्म ऑफ कर्म योगा। हालांकि लोग बोल देते हैं गीता में क्या लिखा है जी, कर्म करो कर्म करो, गीता में तो बस ये लिखा है जी कर्म करो, थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ा कभी किताब को खोला करो भगवद गीता भाई। भगवद गीता के अंदर कर्मयोग और भक्ति योग दोनों की चर्चा आ रही है, पर किस तरह से कर्मयोग जो है वो इसमें फल देना शुरू करता है लेकिन करेगा वो जो उसको पसंद है। ओके, सो इज कंडीशन बाय हिज ओन नेचर, और कुछ चीजें नहीं भी करता वो, भले ही भगवान की सेवा में कहता है ये हम नहीं कर सकते जी प्लीज कम ऑन, नहीं, भक्ति योग में व्यक्ति हर प्रकार की सेवा करने को तैयार होता है बिकॉज वो अपना नहीं सोचता, और साथ ही क्योंकि ज्यादा प्यूरिफाई हो चुका है वो, इसलिए वो करता है जिससे कि ना भगवान को खुशी मिलेगी। सो ये मोस्ट, ये ज्यादा एडवांस वर्जन है। तो 3rd चैप्टर के अंदर, तो 3rd चैप्टर था, 3rd चैप्टर के अंदर हमने ये जाना कि ना एक्शन हमें करना चाहिए, ओके, ठीक है, लेकिन उसमें फ्रूट से भी थोड़ी अटैचमेंट होती है, ठीक है, और नॉलेज इतनी होती नहीं है, तो नॉलेज नहीं होने की वजह से व्यक्ति करता रहता है कुछ देता भी रहता है, दैट्स 3rd चैप्टर। लेकिन जब चैप्टर 4th में आए हम, यहाँ पर हमें मिला दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जब ये मिली तो यहाँ का जो कर्म योग था इट बिकेम निष्काम कर्म योग, ओके, सो विच इज दिस चैप्टर बेसिकली, सो निष्काम कर्म योग, तो वो आया फिर चैप्टर 5। सो दिस प्लस दिस यानी कर्म योग जिसमें सकाम कर्म योग था, प्लस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी दिव्य ज्ञान, जब ये दोनों मिले तो उससे फिर आया ये 5th चैप्टर विच इज नोन एज निष्काम कर्मयोग।
तो इसीलिए अब ये जो अर्जुन की कन्फ्यूजन है कि वो मुझे करना क्या है, मुझे 3 को फॉलो करना है या 4 को फॉलो करना है, तो भगवान अब ये बताएंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है। तो अब भगवान ही बता रहे हैं, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है भाई, दोनों बढ़िया जी। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर सब छोड़ छाड़ दे और किसी गुफा में जाकर तपस्या कर ले, ओके उससे मुक्ति हो सकती है। साथ ही भक्ति में एक्टिविटी अगर करे, ठीक है, यानी कि ये पथ का फॉलो करें जिसपे भगवान चर्चा करेंगे अभी, दोनों ही अच्छे भाई, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। ओ, यानी बजाय कि किसी गुफा में जाकर के ध्यान लगाना और फिर ध्यान वहां भटकते रहना बार बार, अरे काश मैं भी भोग लेता यार, मजा कर लेता का, अरे वो दिन, अरे बड़े दिन बड़े सुहाने थे, दिस दैट, बजाय कि ये सोचने के भाई तो ऐसा करना, भक्ति में भाव से अपने कर्म का जो तेरा स्वभाव है उसके अनुसार कर्म कर, पर नॉलेज लेकर ही कर। नॉलेज लेकर के जब हम कर्म करते हैं दैट इज नोन एज निष्काम कर्मयोग, और उससे शुद्धि ज्यादा होती है एक्चुअली। तो इसलिए कोई अगर अपने एक्टिविटीज छोड़ देना चाहता है तुरंत इन अ फिट ऑफ जोश एंथुजियाज्म, बस हो गया मेरे में वैराग्य एकदम आ गया एकदम से, बस उसको एनकरेज करना चाहिए, कीप डूइंग एक्टिविटीज बट डू विद मोर स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो इस बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हाईलाइट करके इन दोनों में से ज्यादा श्रेयस्कर है भक्ति युक्त कर्म, दैट इज श्रेयस्कर एक्चुअली। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, ना घृणा करता है ना इच्छा करता है, ठीक है जी, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। तो फलों से ना बहुत अटैचमेंट हो, रीजन बीइंग भगवान श्री कृष्ण ने बता रहे हैं द पर्सन शुड गो बियॉन्ड वंस नेचर। नेचर जब हमारा एक पर्टिकुलर नेचर है, नेचर के अनुसार वी आर अटैच टू सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वी आर डिटैच फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ फ्रूट्स। कौन करे नो, इसके परे जाना है एक्चुअली। कौन व्यक्ति मुक्ति पा पाता है जो कि अपने नेचर के परे जा पाता है, अपनी साइकोफिजिकल नेचर, हमारा साइकोलॉजिकल नेचर है एक, हमारा फिजिकल नेचर है, इसके जो परे जा पाता है ऐसा व्यक्ति वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं अब। सो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वह कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है तो वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक सांख्यों की बात हो रही है और एक भक्तियों की बात हो रही है, भला दोनों में कनेक्शन क्या है उसको हम और समझने का प्रयास करेंगे। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य, ओके, सांख्य बेसिकली क्या है, सांख्य का मतलब है ऐसी नॉलेज जो कि हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में कि मैटर क्या है स्पिरिट क्या है, ओके, मैटर क्या है स्पिरिट क्या है। तो ये जो नॉलेज है वो आती है सांख्य में, डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, ओके, तो ये नॉलेज मिलती है हमें सांख्य से। सो दिस इज सांख्य। तो सांख्य योग से पता लग गया हमें, वेरी नाइस, पता लग गया जी मैटर ये है स्पिरिट ये है, इसमें इन्वेस्ट किया सारी इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगी, इसमें अगर मैंने इन्वेस्ट किया मेरी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ओके। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली मैटर और स्पिरिट के बीच में जो डिफरेंस है ये पता लग जाता है हमें सांख्य योग से। अब मुझे ये पता लग गया ओके मैटर जो है वो तो कंगाल बैंक ऑफ इंडिया भाई, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो टेम्परेरी रिजल्ट्स होंगे, लेकिन अगर स्पिरिट में अगर मैंने किया तो दैट इज आई कैन गेट परमानेंट रिजल्ट्स। ऑलराइट, अब ये बात जो पता लग जाती है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करने का जो काम है यानी दैट मीन्स आई इन्वेस्ट मोर इन दिस, यानी कि इसमें इन्वेस्ट करना, सो एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्पिरिट यानी कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हम जब लगते हैं, ओके, वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस पार्ट, नोइंग कि ठीक है ये भी थोड़ा सा करना है लेकिन अब मेन फोकस इस पे करना है, और फिर व्यक्ति एक्ट करता है इन दिस नॉलेज, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो इसमें बता रहे हैं अगर ना कोई एक को समझ लेगा ना, जान लेगा यार ये थ्योरी क्लियर हो गई, प्रैक्टिकल करना यानी कि इन्वेस्ट करना दिस इज एक्चुअली भक्ति योग। नाइस, तो दैट मींस अगर मैंने ये जान लिया अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैंने एक्ट नहीं किया तो ज्ञान अधूरा भाई, लेकिन ये शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए भाई इन्वेस्ट किसमें करना है, लाइक दैट। सो दैट मींस ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि जैसे मान लिया अगर एक पौधा हो, ठीक है जी, तो पौधे में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे क्या उसमें कुछ पत्ते भी हैं, ठीक है जी, उसमें फूल भी हैं और साथ ही उसकी जो है जड़ें भी होती हैं जी। अब सांख्य बेसिकली क्या है,
सांख्य ये बताता है सर जड़े ये हैं, ठीक है जी, जड़ में पानी देना चाहिए। तो जड़े ये हैं और जड़ में पानी देना चाहिए, इस नॉलेज को बोलते हैं सांख्य योग, ठीक है जी। अब मैं उसके बाद फिर एक्चुअली पानी लेकर के आया और फिर मैंने यहां पानी देना शुरू कर दिया जी। सो द एक्ट ऑफ नाउ गिविंग द वॉटर ऑन द रूट्स बेसिकली यहां आ गया। सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज भक्ति योगा। तो इसीलिए सांख्य योग क्या है पता करना, ओके ये पौधा है जी, ये पौधा है तो बेसिकली ये जो फूल है ये भगवान के चरणों तक पहुंचना है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, जड़ों में पानी देना पड़ेगा। जड़ों में पानी देने की जो एक्टिविटी को बोलते हैं भक्ति होगा। लेकिन हाँ, पौधा ये है, जड़ें ये हैं, पानी देना है, ये नॉलेज आती है सांख्य योग से। दैट फेज दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आगे बढ़ते हैं जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सो दैट मीन्स अगर कोई सिर्फ ये जान लेता कि ओके ये जड़ है, ये पौधा है, बस हो गया जी, दैट्स इट, आओ अब आराम करें, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा जी। सो परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति में लगना पड़ेगा। और उस व्यक्ति को बोला क्या गया है, दैट पर्सन इज विचारवान व्यक्ति, यस, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, ठीक है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। ओके, हम सब चाहते हैं कि हम सबके प्रिय हो जाएं यार, यस। हाउ टू विन फ्रेंड्स, हाउ टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, पीपल वॉन्ट, हम बिल्कुल होना चाहते जी। लेकिन उसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र सबसे जरूरी क्या है, कि मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे प्रिय हों, ठीक है जी, और मैं सबका प्रिय हो जाऊं। अच्छा, वह जाते हैं, हाँ, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है, इंद्रियों को वश में करना। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती है, ऐसा व्यक्ति दोस्ती निभा पाता है, ऐसा व्यक्ति संबंधों को निभा पाता है। और क्योंकि संबंधों को निभा पाता है, बिकॉज उसकी इंद्रियां उसके वश में, ऐसा नहीं कि फिट ऑफ एंगर में आया, गुस्से में आया, सब बड़बड़ बड़बड़ बोल दिया, अबे तेरी बड़ी 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 बड़ी, अबे जाकर मरते, अबे तेरी जैसे कहीं हमने देखा, लो जी, अरे गुस्से में आके क्या क्या बोल दिया यार, इंद्रिया वश में नहीं है ना, इसलिए चपड़ चपड़ बोल गए, सारा रिश्ता खराब कर लिया तूने। रिश्ते अच्छे करने के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि हम एक दूसरे के अगर प्रिय हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर वश हो। इंद्रियों की वजह से अगर व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं आज से इस रिश्ते को तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ। सो इंद्रियां जो है वश में होनी चाहिए। ओह, तो इंद्रियां वश में भला किस व्यक्ति की होती है? वेल, इंद्रियां वश में उस व्यक्ति की होती है जो कि होता है विशुद्ध आत्मा, द वन हु इज प्योर हार्टेड सोल, ये उसकी इंद्रियां वश में होती है। इसका जिसकी चेतना गंदी है, वो फिर उसकी इंद्रियां कहां वश में होने वाली है? ओह, अच्छा, विशुद्ध आत्मा। ठीक है, ये विशुद्ध आत्मा भला ये कैसे बनते हैं? वेल, विशुद्ध आत्मा हम बनते हैं जब भक्ति भाव से हम कर्म करते हैं, तो हम विशुद्ध आत्मा बनते हैं। जब विशुद्ध आत्मा बनते हैं तो हमारी इंद्रियां हमारे वश में होती हैं, हमारी इंद्रियां जो वश में हो जाती हैं, दैट मीन्स हमारी वाणी हो, चाहे हमारी जो भी इंद्रियां, हमारी हमारा मन हो, ये वश में आते, देन वी बिहेव इन अ नाइस वे, एप्रोप्रिएट वे विद एवरीवन। ऐसा व्यक्ति फिर सबको प्रिय होता है और सब लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। यस, सो तो किस प्रकार से यू वांट टू हैव, इफ यू वांट टू हैव फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, वेल, इसके लिए आपको डेल कार्नेगी की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवद गीता का चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 पढ़िए एंड देन यू आर डन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यस, दिव्य भावनामृत युक्त व्यक्ति पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में ये कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। मैं आत्मा हूं भाई, आई एम सोल, सोल इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड, इंटेलिजेंस, senses, yes. तो मैं क्या नहीं हूं मुझे पता होना चाहिए। ऐसा क्या है, कई सूफी सॉन्ग्स हैं कि मैं ये नहीं हूं, बुल्ला की जाड़ा मैं कौन, ना मैं दिस, ना मैं दैट, ना मैं दिस, ना मैं दैट, ना मैं दिस, ना मैं दैट। नहीं, साथ ही बुल्ला शाह को ये भी समझना होगा कि भाई है कौन। वेल, आई एम सोल, आई बिलोंग टू कृष्णा। तो इसीलिए उसकी इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों में लगी रहती हैं। हाँ, जो कान है वो सुनने में लगे हुए हैं, जो नाक है वो सूंघने में लगी हुई है, जो जीवा है वो चखने में लगी हुई है। ओके, ये सब लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा ही सबसे पृथक है। इसे कभी अगर आपको बहुत एंग्जाइटी हो, जस्ट फॉलो दिस वर्स, आप बहुत चिंता में, हाँ मेरा मन बहुत चिंता में, मैं चिंता में नहीं हूँ आज,
मेरा अहंकार बहुत दुखी है, आज इज्जत नहीं मिली ना भाई, आज गए थे तो इज्जत नहीं मिली, तो इसीलिए मेरा अहंकार आज बहुत दुखी है। मैं दुखी नहीं हूँ, बिकॉज मैं तो सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आई एम सच्चिदानंद आत्मा, वेल आई एम सोल, आई बिलोंग टू कृष्णा, यस मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा अहंकार जो है ना आज बहुत दुखी है, उसको सम्मान नहीं मिला आज, लोगों ने जय जयकार नहीं बोली, किसी ने गुड मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग नहीं बोला, रोज बोलता है यार, आज नहीं बोला, हाँ मेरा अहंकार दुखी है आज। मेरा मन है टुडे, माय माइंड इज क्वाइट लस्टी, मैं तो लस्टी नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरा मन है आज टुडे इट इज क्वाइट लस्टी, या सो इन दिस वे वी शुड डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स, वी शुड सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस, नोइंग दैट कि हाँ ये प्रवृत्ति है, मुंह खा ही रहा है या भूख लगेगी तो खाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन ये सोचना बस मैं आइडेंटिफाई विद माई सेंसेस तो भाई दिक्कत हो जाएगी। सो इसलिए दिस पर्टिकुलर वर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज to know that I am not the senses, I am not the mind, I am not intelligence, I am not ego, I am soul. अगला श्लोक आता है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र में से अस्पृश्य। अब देखिए बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल दिया भगवान ने, भगवान ने एग्जाम्पल दे रहे कि ना लोटस है, लोटस जिस प्रकार से खोता कीचड़ में, लोटस जो होता है वो होता तो कीचड़ में, तो भले ही वो कीचड़ में हो लेकिन फिर भी वो कीचड़ का नहीं होता, भले उसके आसपास कीचड़ है, yes. भले उसके आसपास बहुत कीचड़ हो, सो लोटस इज इन द मड बट नॉट ऑफ द मड बट अबव द मड। होता क्या है, इसके जो लोटस लीफ होती है इसमें ना वैक्स कवरिंग होती है, अब बिकॉज उसमें वैक्स कवरिंग होती है तो इसीलिए भले ही जल आता है उस पर आता भी है लेकिन ना उसको छूता नहीं है, बिकॉज इज वैक्स कवरिंग, वो इंसुलेटेड होता है, तो इसीलिए कमल जो है वो होता तो पानी में है या फिर होता तो मिट्टी में है लेकिन मिट्टी का नहीं होता, मिट्टी के ऊपर होता है। तो ऐसा जो भगवान का भक्त होता है, the one who is transcendently situated, ऐसा व्यक्ति होता तो संसार में है, so mud is compared to संसार, वैसे ठीक है जी, संसार can be compared to mud, लेकिन जो भक्त होता है वो कमल के समान होता है, तो भले ही भक्त मटेरियल वर्ल्ड में हो, द डिवोटी इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड बट नॉट मटेरियली बट अबव द मटेरियल वर्ल्ड, जिस तरह से कमल जो है इट इज इन द मड बट नॉट ऑफ द मड बट अबव द मड, सिमिलरली द डिवोटी इज इन द मटेरियल वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड बट अबव द मटेरियल, की रीजन नहीं, उसके पास इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन किसकी है, उसके पास इंसुलेशन होती है, जिस तरह से इस पत्ते के ऊपर होती है, ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति की वैक्स कवरिंग की वजह से ये पानी या मड इसको अफेक्ट नहीं कर पाता। सो बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी भगवान ने, किस प्रकार से कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है या मड से अस्पृश्य रहता है। ओके, अगला श्लोक आता है, योगी जन आसक्ति रहित होकर के शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब कोई जैसे बिकॉज लॉर्ड सेड कि ओके इंद्रियों में नहीं लगना, ओके लेकिन इंद्रियों बेसिकली लगाना कहाँ है, बिकॉज फर्स्ट था कि ना जो व्यक्ति इंद्रियों को पूरा विड्रॉ कर लेता है, भगवान ने कहा वेल ये तो इतना अच्छा नहीं है, जो इंद्रियों में इंद्रियों को बल्कि को एक्टिवेट करता है, उनमें एंगेज होता है भक्ति भाव के साथ, ऐसा व्यक्ति जो है उसको जल्दी मुक्ति मिलती है और ये जो व्यक्ति है ही इज बेटर एक्चुअली। अच्छा तो इंद्रियां लेकिन उसकी करती क्या है, हमने ये तो आपने तो बता दिया भक्ति भाव से कर्म करता है, तो उसकी इंद्रियां करती क्या है, वेल उसका शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, ये इस तरह से एक्ट कराता है उनको, एज इफ आई जस्ट वॉन्ट टू प्यूरिफाई माई सेल्फ, दैट्स इट। अगर कुछ को खाना भी है खाएंगे तो ये प्रसाद खाएंगे, हाँ देखेंगे भगवान के विग्रह को देखेंगे जी, छुएंगे तो भगवान के से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनको छुएंगे, यस सो दैट फेज इंद्रियों को लगाता है इस तरह से है, मन को इस तरह से लगाता है कि इससे शुद्धि हो, लगाना है जी बिल्कुल, इंद्रियों को लगाना, भगवान इंद्रियां दी हैं तो फिर इनको डिस्ट्रॉय थोड़ी कर देंगे हम, इसका इस्तेमाल करना है। ऐसे योगी था देवास मोहन योगी इन यूएसए, वो कई समय से बोला नहीं था, प्रभुपाद जी ने कहा भगवान ने जीवा दी है बोलने के लिए, उसको इसलिए उसको बोलना चाहिए, लेकिन किसके लिए बोलना चाहिए, अरे भगवान के लिए बोलना चाहिए, तो बोलेगा सो यही इंद्री जो कि फंसा रही थी यही इंद्री हमें निकाल देगी संसार से, बेसिकली इसको बोलते हैं कांटे से कांटे को निकालना, इसी इंद्री ने हमको फंसाया है, ये जो जितनी इंद्रियां बॉडी के अंदर ये फंसा देती है हमको, कभी यहाँ फंसे गई वहाँ फंसे गई वहाँ गई वहाँ, अरे भाई माई गॉड, तो क्या करेंगे फिर, वेल इंद्रियों का इस्तेमाल करेंगे इंद्रियों से अल्टीमेटली इनके परे जाने के लिए, बाय एंगेजिंग देम राइटली फॉर आवर शुद्धि के लिए, केवल प्यूरिफिकेशन के लिए, शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है वो, यस सो दैट्स अ रियल योगी,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और वह अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तो जो भगवान के लिए कार्य करेगा ना वो मुक्त रहेगा, और जो अपने लिए कार्य करेगा तो बंध जाएगा। भगवान भी कहते हैं भाई तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू जो अपने काम में तो ठीक है मैं भी अपने धाम में। सो दैट मींस वन हु वर्क्स फॉर द लॉर्ड इस भाव के साथ कि मुझे जो करना है अल्टीमेटली इट इज देयर टू प्लीज द लॉर्ड। भले वो नौकरी करता है घर बार चलाता है विद दिस फीलिंग कि वहां से मैं घर के मुखिया तो मेरे प्रभु हैं, ये मान के जब वो चलता है तो ऐसा व्यक्ति बनता नहीं है बल्कि निश्चल भक्त जो होता है शुद्ध शांति को प्राप्त करता है। यस, लाइक देयर कम्स अ वेरी नाइस वर्स, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जितने हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो होते हैं, भुक्ति यानी भोग करने वाले, ठीक है जी, मुक्ति कामी मुक्त मोक्ष मिल जाए या मोक्ष मिल जाए भाई, निर्वाण मिल जाए हमको, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए, हमारे तो बड़ी ऐसी जैसी हुई है भैया, एक बार निर्वाण मिल जाए फिर हम वहाँ खुश रहेंगे, अब यहाँ तो मजा हो नहीं पाया भाई, वहाँ भी मजा कर लें, भोग के तो मजा हो नहीं पाया, त्याग करके मजा कर लें। तो मुक्ति कामी होते हैं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, कहीं सिद्धियों की बढ़िया रहती है भाई, वह सिद्धियाँ मिल जाए, मैं भी पानी के ऊपर चल के दिखाऊं, मैं भी किसी चीज़ को छू लूं जो कि बड़ी ऊंची है, लेट मी डू समथिंग विच इज वेरी मिराकुलस। सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि कृष्ण भक्त होता है निष्काम होता है, उसको अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, सो ही इज हैप्पी, दैट्स द वे डिवोटीज। तो इसलिए वो परम शांति को प्राप्त करता है क्योंकि समस्त कर्म फल वो मुझे अर्पित कर देता है, जो करूँगा मैं तो प्रभु के लिए करूँगा। श्री प्रभुपाद जब यूएसए में थे तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का नाउ ही इट इज नाउ 1966, तो भक्तों को पता नहीं कि ना गुरु की व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है, तो इसलिए प्रभुपाद जी उन्होंने एक केक तैयार किया और जैसे कि वेस्ट में करते हैं उस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे थे कि प्रभुपाद जी को बुलाया, जैसे प्रभुपाद जी अंदर आए सारी लाइट्स ऑन की गई, सबने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वहाँ जो केक रखा था तो उसके ऊपर कैंडल्स थी, और उन्होंने बोला श्री प्रभुपाद स्वामी जी आप आँख बंद करके फूंक मारिए और जो इच्छा हो मांगिए। प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है, ऑलराइट, दैट्स द वे यू सेलिब्रेट बर्थडे, फूंक मारी। तो और भक्तों ने बोला था कि ना आप आँख बंद करके जो इच्छा मांगिए आपकी इच्छा पूरी होगी, अगर कैंडल बुझ जाएगी तो आपकी इच्छा पूरी होगी। तो मैं सबने बोला बताइए बताइए स्वामी जी आपने क्या मांगा, आपने क्या मांगा। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मैं तो बस ये चाहता हूँ ये जो कृष्ण भक्ति का जो संदेश है जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं जगत के अंदर, मैं ये अमेरिका में देने के लिए आया हूँ, लोग इसको स्वीकार करें और अपना जीवन धन्य करें, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तो अपने लिए कुछ नहीं करता वो, तो सब कुछ करता है तो भगवान के लिए करता है। सो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसको वास्तविक शांति प्राप्त होती है जी। ओके, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह तो किसे करता है, मन से करता है परित्याग, तन से नहीं करता, तन तो अभी भी उसका लगा हुआ है। तो जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है यानी कि अपने नेचर को भी जीत लेता है वो, अपने साइकोफिजिकल नेचर को, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मन से तन से नहीं, तन से अभी वो एंगेज है, मन से मतलब वह एक्सपेक्टेशंस नहीं रही उसकी, लाइक दैट परित्याग कर दिया, तब वह नौ द्वारों वाले इस भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ये बॉडी क्या है, इसमें नौ द्वार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 बॉडी के अंदर दीज आर 9 गेट्स। तो नौ द्वारों के इस शरीर के अंदर व्यक्ति सुखी रहता है, क्यों, क्योंकि वो अपने अपने नेचर को उसने जीत लिया है, वाओ दैट्स वंडरफुल, और क्योंकि उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बट ही इज एंगेज्ड, यानी उसके बाकी शरीर लगा हुआ है लेकिन उसका मन में ना वो नहीं है कि मतलब मैं उससे कुछ फायदा उठा लूँ, कोई लाभ उठा लूँ, सो दैट वेज माइंड हैज गॉट नो एक्सपेक्टेशंस एज सच। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है, वह सबको प्रकृति के गुणों द्वारा ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। सो यू नो दैट एक्चुअली दुनिया के अंदर क्या एक्टिव है, वेल द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण जिसमें आते हैं गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस। इसमें हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जा करके, इसमें पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है अबाउट द थ्री मोड्स। तो यही वास्तव में व्यक्ति को कार्य कराते हैं, फर्स्ट वी चूज देम एंड देन दे चूज आवर एक्टिविटीज। आई रिपीट, फर्स्ट वी चूज देम एंड देन दे चूज आवर एक्टिविटीज। पहले मैंने अगर रजोगुण को चुना, मैं रजोगुण राजसिक को सुना, मैंने कुछ राजसिक देखा, सो रजोगुण मेरे डेटाबेस में आ जाएगा, मेरे हार्ड डिस्क में आ जाएगा, एंड देन आई एंगेज इन एक्टिविटीज विच आर ऑल्सो राजसिक। सो फर्स्ट वी चूज देम एंड देन दे चूज आवर एक्टिविटीज। ओके, सो दैट फेज they are the ones which
विच आर एक्टिव। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। सो इग्नोरेंस जो क्या करती है, वो नॉलेज को कवर कर लेती है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर एनालिसिस दे रहे हैं कि एक्चुअली व्यक्ति सही से काम क्यों नहीं कर पाता, बिकॉज तो नॉलेज जो होती है इट इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। पर लेकिन जब निष्काम कर्मियों में लगता है तो होता क्या है, जो कवरिंग है उसके ऊपर आसपास जो इग्नोरेंस की, ये इग्नोरेंस की कवरिंग जो है ये हट जाती है। सो नॉलेज नाउ कम्स टू द सर्फेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन के सूर्य दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। सो दिव्य ज्ञान में होता क्या है, इट्स लाइक लाइट, सनलाइट होती है। जैसे सनलाइट आई तो सब कुछ एज इट इज नजर आता है, ओह वाओ। लेकिन अगर रोशनी अगर ना हो, सूर्य की रोशनी नहीं है, एकदम धुत अंधकार है, तो क्या नजर आएगा, सब कुछ काला काला नजर आएगा। ट्रक क्या है, काला है। अच्छा बंदा क्या है, काला है। अच्छा साइकिल क्या है, काली है। अच्छा अच्छा वॉशिंग मशीन क्या है, काली है। सब कुछ क्या है, काला है। तो सब कुछ काला काला नजर आता है, ऑल इज वन, अद्वैत। तो इसलिए जो अद्वैतवादी है, जो कि मानता सब कुछ एक है, यानी कि उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, इसलिए सब कुछ एक मानता है, एवरीथिंग इज वन 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 वन, एवरीथिंग इज वन। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे एज निमाई पंडित, तो उनकी माता शुचि माता उनके लिए उन्होंने संदेश बनाया, पर निमाई जो है जाकर किसी मिट्टी के ढेरे बैठ गए और वहाँ पर मिट्टी के जो कसौले होते हैं उसको तोड़ करके वो खा रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। सोचा शुचि माता हुई श्री यशोदा मैया, शुचि माता ने आके बोला, अरे निमाई ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए संदेश बनाया और तुम संदेश खाने के बजाय तुम ये क्या खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो। तो तब निमाई ने ही स्पोक द अद्वैत सिद्धांत, उन्होंने कहा देखो सब कुछ एक ही है, चाहे संदेश हो या मिट्टी हो, सब कुछ एक ही तो है, एवरीथिंग इज वन। तो शशि माता ने कहा कि तुमको ये आलतू फालतू सिद्धांत किसने समझा दिया तुमको निमाई, भले ही मिट्टी भी देखा जाए मिट्टी एक है, लेकिन मिट्टी के भी दो रूप होते हैं, एक तो मिट्टी का ढेला हो उसमें पानी डालो तो मिट्टी तो पानी बह जाएगा यहाँ वहां, लेकिन वही मिट्टी जब मटके के रूप में आती है तो वही मिट्टी अब पानी को ठहरा पाती है। तो इसीलिए भले ही सब कुछ मिट्टी हो लेकिन फिर भी उसमें अंतर भी होता है। तो इसीलिए अगर आप मिट्टी खाओगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप सौंदेश खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। सो भले ही सब कुछ भगवान की शक्ति का ही विस्तार है इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी उसके अंदर अंतर है। तो इसीलिए अद्वैत में क्या होता है व्यक्ति, अद्वैत में सब कुछ एक ही मात्र, एवरीथिंग इज वन, अद्वैतवाद वन, प्रकृति और भगवान एक, प्रकृति और जीव एक, जीव और भगवान एक, एक एक और बस एक, अद्वैत। तो ये कब होता है, जब अंधकार होता है, अंधकार में एवरीथिंग इज वन, साइकिल हो मोटरसाइकिल हो बंदा हो परिंदा हो क्या है, सब है ब्लैक। पर जैसे ही भक्ति भाव से भरे हुए दिव्य ज्ञान की सूर्य की रोशनी आती है तो हम देख पाते हैं, अरे नहीं नहीं यार सब कुछ ब्लैक नहीं भाई, ये ट्रक का अपना रूप है, साइकिल का अपना रूप है, बंदे का अपना रूप है, बंदी का अपना रूप है, हर एक का अपना रूप है, एवरीवन इज ओ, सब अलग अलग है, सब एक नहीं है। So, इसीलिए सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, एवरीथिंग हैज गॉट देयर ओन पोजीशन, जब दिव्य ज्ञान भक्तिमय दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है तो। लेकिन अद्वैत कब आता है, वेल अद्वैत की अंडरस्टैंडिंग तब आती है व्हेन आई सी एवरीथिंग एज वन, वन का एवरीथिंग इज वन, बिकॉज यहां भी भक्ति भाव के दिव्य ज्ञान का सूरज निकला ही नहीं, दैट इज व्हाई। आगे बढ़ते हैं जी। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा और शरण अगर ये भगवान में स्थिर नहीं हुए जी, ठीक है, अगर स्थिर हो जाएंगे तो उसका परिणाम होगा, उसका परिणाम ये होगा, द पर्सन वुड बी सिचुएटेड इन नॉलेज, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ज्ञान और अच्छा पूर्ण ज्ञान से पहले क्या होता है जी, पूर्ण ज्ञान मेरे को मिल गया तो उससे क्या होगा फिर, वेल उसके बाद फिर आपके समस्त कलमश से आप शुद्ध हो जाओगे जी। तो पहले पूर्ण ज्ञान आता है फिर समस्त कर्मश हट जाते हैं, यस ठीक है जी। सो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा उससे समस्त कर्मश दूर हो जाएंगे और उससे फिर क्या होगा, देन द पर्सन कैन बी लिबरेटेड, यानी कि मुक्ति के पथ पे ऐसा व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। तो पहले व्यक्ति को क्या चाहिए होगा, पूर्ण ज्ञान। लेकिन अच्छा लेकिन उससे लेकिन पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, जब व्यक्ति का मन बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस माइंड फेथ एंड रिफ्यूज दैट इज शरण, ये किसमें स्थिर हो गए हैं, भगवान में, निराकार में नहीं भगवान में, जब स्थिर हो जाते हैं then the person can have liberation actually, one becomes absolutely bindas। All right, तो हम आगे बढ़ते हैं अब।
विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। समान दृष्टि देखता है। ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, विद्वान हो, चंडाल हो, सेम ही है जी, सब सेम ही है। पर नहीं यार, अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण अलग होता है, गाय अलग होती है, हाथी अलग होता है। तो उसे अगर पूछेंगे हाथी को दिखाएं तो वो क्या करेगा? जी कुत्ता है, तब एक ही है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बेसिकली वो यहाँ पर क्या देख पाता है, दैट एवरीवन इज एक्चुअली अ स्पिरिट सोल। अपने कर्मों के अनुसार हो सकता है कोई व्यक्ति ब्राह्मण बने, अपने कर्मों के अनुसार हो सकता है कोई व्यक्ति कोई गाय बने या हाथी बने या कुत्ता बने, लेकिन सबके अंदर क्या है, देयर इज सोल, स्पिरिट सोल। और क्योंकि सब में सोल ही है, ओके, एंड सोल इज कनेक्टेड टू सुपर सोल, दैट मीन्स कृष्णा यानी परमात्मा, ठीक है, सुपर सोल से आ रही है सोल। तो जब ये अंडरस्टैंडिंग आती है, फिर मैं जब किसी को भी देखूंगा, चाहे मैं कुत्ते को देखूं, चाहे मैं हाथी को देखूं, चाहे गाय को देखूं, लेकिन उसके अंदर है कौन? आत्मा। हाथी के अंदर क्या है? आत्मा। गाय के अंदर क्या है? आत्मा। चंडाल के अंदर क्या है? आत्मा। ब्राह्मण क्या है? आत्मा। इस तरह से हम देख पाते, ओके, देन वी आर एबल। तो इसको बोलते हैं समदृष्टि संभव। इसका ये समदृष्टि संभव का मतलब ये नहीं कि अब उससे जब पूछे कुत्ता क्या कहेगा, ये हाथी है। अच्छा हाथी क्या है? तो कहते चंडाल है। चंडाल क्या है? तो ब्राह्मण है। ऐसे नहीं वो अंधा हो जाता है, नो नो, ही हैज गॉड विजन। पर अब वो सबको स्पिरिचुअल लेवल पे देख पाता है। आपने स्लोगन सुना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन आज तो भाई भाई नहीं बन पाए लोग, कब भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई भाई तब होंगे व्हेन देयर इज कॉमन फादरहुड, राइट। कॉमन फादरहुड का मतलब होता है सुपर सोल, राइट। जब तक कॉमन फादरहुड की बात नहीं आएगी ना, तब तक सोल वन, सोल टू, सोल थ्री, सोल फोर, ये आपस में लड़ते ही रहेंगे। बिकॉज भाई, अरे भाई आप लोग भाई भाई हो, कहता कैसे भाई भाई भाई, ऐसे कैसे भाई भाई। सर जब तक कॉमन फादरहुड की बात नहीं करेंगे, हु इज एक्चुअली कृष्णा, जब तक कॉमन फादरहुड की बात नहीं आएगी, तब तक ब्रदरहुड की बात आ ही नहीं सकती। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाई भाई होने से बिकॉज कॉमन फादरहुड की चर्चा होती ही नहीं, तो इसे भाई भाई बन नहीं पाते, सिर्फ स्लोगन ही रह जाता है। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीनी आते भाई भाई नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनमें कॉमन फादरहुड की चर्चा होती ही नहीं, तो बस स्लोगन रह जाता है, ताकि भाई शायद भाईचारा बढ़ जाएगा। लेकिन भाईचारा नहीं बढ़ेगा जी, सोल वन, सोल थ्रू, सोल थ्री, सोल फोर, ये लड़ते भिड़ते रहेंगे, बिकॉज फादरहुड जो है ना, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई जी। तो इसीलिए हम समदृष्टि लेकर के आएंगे टुवर्ड्स सोल वन, सोल थ्री, सोल फोर, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो या हाथी हो या कुत्ता हो, व्हाटएवर। अगर हम देख पाएंगे दे हैव कॉमन फादरहुड एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्स, यस, दैट्स द वे वी कैन डेवलप समहाउ टुवर्ड्स एवरीवन, नो पार्शियलिटी, नो पार्शियलिटी। तो आज चलिए, चल भी, अगर जैसे कोई बोलते भी आज के कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, स्त्रियां इंफीरियर है क्या, ये सुपीरियर है क्या, ये जेंडर इक्वालिटी, दिस दैट, ये होगा नहीं। रीजन बीइंग, आई सी एवरीवन एज सोल। वुमन इज एक्चुअली अ सोल, मैन इज ऑल्सो अ सोल, दैट इज नाउ समदृष्टि संभाव, लाइक दैट। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हम अगले श्लोक की ओर। ओके नाउ दैट इज 519, चैप्टर 5 वर्स नंबर 19। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, एकत्व समता का मतलब है, एकत्व असमता का मतलब है, इफ आई सी सोल वन, सोल टू, सोल थ्री, सोल फोर, सच्चिदानंद, 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 तो इस तरह से एकत्व, ओके, ऑल ऑफ देम आर ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, यस, ओके। और ये मानते हुए कि सब में आत्मा है, ये मानते हुए कि आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन हाँ, कर्मों के कारण कोई ब्राह्मण बना है, कर्मों के कारण कोई हाथी बना है, कोई चंडाल बना है, कोई कुत्ता बना है, ओके, आई सी। लेकिन सबकी आइडेंटिटी क्या है? सोल वन, सोल टू, सोल थ्री, ये सब सोल है। ओ, जब ऐसा व्यक्ति जब ये सोच पाता है, तो बेसिकली जिन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वास्तव में जो कि इस वास्ते देख पाता है, यानी सोल के लेवल पे सबको देख पाता है, तो तब जो व्यक्ति है, नाउ ही सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, एंड आगे लिखा है वे ब्रह्म के समान निर्दोष है। मतलब बेसिकली ऐसा व्यक्ति जो कि देख पा रहा है, ऐसा व्यक्ति है, ही इज निर्दोष, ही इज एज प्योर एज ब्रह्म, नॉट दैट ही एंटर्स इनटू ब्रह्म एंड ही बिकम्स निराकार, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म के समान निर्दोष है, ही बिकम्स एज प्योर एज ब्रह्म। जिस तरह ब्रह्म है वो निराकार जो है वो वास्तविक निर्गुण है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे है, उस तरह सोल ऑल्सो बिकम्स सत्व रजो तमो के परे, सो एक्वायर सिमिलर नेचर, दिव्य दिव्य, लाइक दैट। सो ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है, बेसिकली, सो ही सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, दिव्यता में वो अब स्थित रहता है, दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं जी। सो जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है, कोई प्रिय वस्तु उसकी मिल गई,
मान लो किसी को पसंद है राजमा चावल बहुत पसंद है, कड़ी चावल बहुत पसंद है, छोले भटूरे बहुत पसंद है, आ गया, ओके थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, ग्रेटफुल टू यू। और अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता जी, ठीक है, कुछ अप्रिय वस्तु आ गई, प्रमोशन इस बार हुई आपकी, नहीं इस बार प्रमोशन नहीं हुई, ठीक है, नहीं हुई कोई बात नहीं, एटलीस्ट माई इन माई लाइफ द लॉर्ड इज देयर, बस काफी है मेरे लिए। अच्छा वही गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गए, अच्छा ओके ठीक है, उसको कोई और पसंद होगा, दैट्स ओके, अच्छा अच्छा ओके, अब मैंने सुना आपका पति बहुत सनकी है, हाँ जी अब है, अब क्या कर सकते हैं, इट्स माय कर्मा, दैट्स फाइन। अब प्रिय वस्तु को पा करके व्यक्ति दुखी भी नहीं होता, प्रिय वस्तु आए उसमें बहुत ज्यादा वो भी होता, यस मैन रॉकिंग वाओ, नहीं ये भी नहीं करता, ओके अच्छा इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ऐसा व्यक्ति हो चुका है स्थिर बुद्धि, द पर्सन हैज बिकम नाउ स्टेबल इन वंस इंटेलिजेंस, स्थिर बुद्धि हो गया, अच्छा इसकी स्थिर बुद्धि हो गया, इसका मतलब क्या है, नाउ द पर्सन बिकम्स मोह रहित, अब उसमें कोई मोह नहीं रह जाता, अच्छा मोह रहित ये भला कैसे हो पाता है, मोह रहित हो गया कोई व्यक्ति, वेल क्योंकि ना वो भगवत विद्या लेनी शुरू कर दी ना उसने, इसीलिए, ओह अच्छा, जो ऐसा हो जाता है बेसिकली उसके साथ क्या होता है, जो भगवत विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है, ऐसे व्यक्तियों का मानना चाहिए, दिस पर्सन इज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, कि भाई इस व्यक्ति के पास क्या है, भगवत विद्या इसके पास, भगवान की भक्ति की विद्या इसके पास, वाओ, और उसकी वजह से क्या है, ये मोह रहित है, उसकी वजह से क्या है, ये स्थिर बुद्धि है, और क्योंकि स्थिर बुद्धि है ना, इससे कोई प्रिय वस्तु आए उसको लेके बहुत पगलैट नहीं होता, अप्रिय वस्तु आए तो उससे बहुत दुखी नहीं होता, अरे यार विचलित नहीं होता, हाँ क्या मैं ना, सो ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में दिव्यता में स्थित हो पाता है, पर इसका अगर रूट कॉज क्या है, वेल इसका रूट कॉज है दिव्यता, जो भगवत विद्या है दैट कम्स इन हिज लाइफ, और इस वजह से वो लाइफ में स्टेबल आता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, एंड इट बिकम्स मोह रहित, ओके। अगला श्लोक है, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रह करके अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है, ओके। तो ऐसे व्यक्ति इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अब यार इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट ना हो यार, तो यार इंद्रिय सुख को कौन झेल सकता है यार, उसको मतलब हु कैन से नो टू द टेम्पटेशंस एंड अट्रैक्शंस, या ओके। तो इंद्रिय सुख क्या है, इंद्रिय सुख कैन बी कंपेयर टू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है जी, तो पानी भरा हुआ है तो आपको प्यास लगी हुई, हाँ जी बड़ी प्यास लगी हुई हमको, हम तो पानी पीना चाहते हैं, ओह वेरी गुड नाइस, छोड़ दो उस पानी को, नहीं ऐसे क्या छोड़ दो यार, पानी का ग्लास है भाई, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, ना 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 ना, छोड़ दो यार, नहीं यार मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, अच्छा ठीक है सर, हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं, ठीक है जी, हियर इज फॉर यू अ स्पेशल ग्लास फुल ऑफ मैंगो शेक, ये क्या है, पानी, सर आप छोड़ दोगे, कहते हैं क्यों नहीं जी, रखिए आप इस पानी को, हमको आप क्या दे रहे हैं, मैंगो शेक, वाओ, ये मैंगो शेक बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली भक्ति का सुख, जब भक्ति का सुख जब जीवन में आता है तो वाटर यानी कि जो संसार में आईटी यानी कि इंद्रिय तृप्ति IT also means information technology, पर पूरी दुनिया किसमें है, IT industry में, oh that's इंद्रिय तृप्ति, ठीक है जी, इंद्रिय तृप्ति, ठीक है जी, that's IT industry, तो बोले तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दे भाई, नहीं यार मैं नहीं छोड़ पाऊंगा यार इंद्रिय तृप्ति, अच्छा ठीक है अगर मैं तेरे को मैंगो शेक दूं, अरे फिर इसको छोड़ देंगे हम, तो इसीलिए materialistic pleasures को छोड़ पाना भला कैसे पॉसिबल बात है, when there is higher taste, जिससे पानी ग्लास छोड़ पा रहा है, ईजी है मेरे लिए, मैंने इसको पकड़ा हुआ था, मैंने नहीं छोड़ पा रहा जी, ये आया तो बेसिकली ये डिटैचमेंट, इट कम्स बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, बिकॉज आई एम अटैच टू मैंगो शेक, मैं मैंगो शेक से अटैच हूँ ना, इसीलिए इससे डिटैचमेंट होगी, सो मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैचमेंट होना और भगवान से अटैचमेंट होना, दे हैपन साइमल्टेनियसली, लेकिन पहले क्या आएगा, अटैचमेंट टू दिस, अटैचमेंट टू भक्ति, तो ये जीवन आना बहुत जरूरी है, देन वी कैन से नो टू आईटी, तो तब इसको बोलेंगे ना और इसको बोलेंगे हाँ, यस, सो डिटैचमेंट टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस हैपन साइमल्टेनियसली, लेकिन पहले आएगी अटैचमेंट, यस, एंड देन द पर्सन इज यस एब्सोल्युटली बिंदास, ओके, सदा समाधि में रहकर के अंतर में आनंद का अनुभव करता है, इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है, कितना सुख, असीम सुख, भक्ति का सुख क्या है, इज इनफाइनाइट,
ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये मतलब चिल्लड़बाजी है और कुछ नहीं, इंद्रिय तृप्ति का सुख कुछ भी नहीं है, दिस इज इनफाइनाइट प्लेजर। एक्चुअली प्लेजर में भी देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ प्लेजर, जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे जो लो क्लास सुख है वो है इंद्रिय तृप्ति का सुख, इससे ऊपर का जो सुख है बेसिकली वो है निराकार ब्रह्म का सुख, दैट मीन्स इम्पर्सनल लिबरेशन। तो इम्पर्सनल का जो सुख है, इम्पर्सनल ब्लिस, ये भाई बहुत ऊंची, इंद्रिय तृप्ति से तो बहुत ऊंची, लेकिन इससे भी करोड़ों गुना ऊपर जो सुख है वो है भक्ति का सुख, भक्ति ब्लिस। दिस इज इनफाइनाइट टाइम्स मच मोर देन एनी अदर काइंड ऑफ सेंस गेटिफिकेशन। अरे तो इसलिए जो सबसे कम समझदार लोग होते हैं वो इसे लगते हैं, और दैट इज एंड दैट इज व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट वर्स ऑफ द भगवद गीता, यही संस्पर्शता होगा दुख ही होने आए थे। एक्चुअली इंद्रिय तृप्ति है ना, इसके दुख मतलब इसके कोर पता है क्या है, दुख, दुख योनि आए थे, ये दुखों की योनि में फेंक देती है इंद्रिय तृप्ति हमको, इंद्रिय भोग जो पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है ना, वाह मजा करना यार हमको, मजा करना मजा, सर दुख योनि आए थे जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि भी है अंत भी है, तो इसकी बिगिनिंग भी होती है और एंड भी होता है जी, ठीक है जी। तो इसीलिए जो जिसका बिगनिंग भी है एंड भी है बहुत ही तुच्छ है, वो है लो क्लास है, समझदार व्यक्ति इसमें रमता नहीं है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न हुए हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि भी है और अंत भी है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। कहते ये समझी में सेवा, आप साधु लोग हैं, आपके जीवन में इंद्रिय तृप्ति तो है नहीं बेचारे, आप एम्बिशियस नहीं है, ओहो सो सैड। वेल सबसे ज्यादा एम्बिशियस तो साधु लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, दे आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, बिकॉज इनको ये टुच्चा वाला सुख चाहिए ही नहीं, बेसिकली दे आर आफ्टर दिस ब्लिस इनफाइनाइट असीम आनंद, जो किससे आता है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करके प्राप्त होता है वास्तव में। सो दैट मीन्स द डिवोटीज आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, यस ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करना तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रहता है। ओह वाव, मतलब संसार में सुखी रहने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल मुझे इच्छा और क्रोध के वेग को इनको सहन करना पड़ेगा। ओह तो एक है इच्छा, ठीक है जी, जब इच्छा पूरी नहीं हो रही होती ना, जब That leads to क्रोध। अच्छा इच्छाएं वाला किससे आती हैं? इच्छाएं आती हैं इंद्रिय भोग की चीजें, मुझे उससे मजा करना है, मुझे इससे मजा करना है, बेसिकली फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ द सेंसेस। उससे आई इच्छा, मुझे ये इच्छा पूरी करनी, वो इच्छा पूरी, तो बेसिकली इच्छाएं कहां से आ रही हैं? इंद्रियों का सुख जो पूरा करना है, सर जब पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या आएगा फिर? क्रोध। और क्रोधी व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के ना मतलब चेतना ही ठाए हो जाती है एकदम। तो इसीलिए अगर किसी ने ये इच्छा और क्रोध की ड्यूअलिटी को पार कर लिया है, और क्यों? क्योंकि ना डिमांड्स ऑफ सेंसेस को सहन कर लेता है, दैट पर्सन कैन बी हैप्पी, वो सुखी रह सकता है जगत के अंदर। अच्छा तो ये है सीक्रेट बेसिकली। सो हाउ कैन यू बी हैप्पी बाय नॉट ग्रेटिफाइंग द सेंसेस? वी कैन बी हैप्पी बाय टॉलरेटिंग द अर्जेस ऑफ सेंसेस, यस। तो क्योंकि इच्छाएं जो है कभी पूरी तो होने नहीं, इंद्रियों की इंद्रियां बोले बस 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 हो गया जी, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस अभी जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं आने वाला, ऐसा टाइम कभी नहीं आता जी। ओके आगे बढ़ते हैं। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, बिकॉज़ इन हिज इनर कॉन्शियसनेस ही इज रिलिशिंग द मैंगो शेक ऑफ भक्ति, अंदर ही रमण करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, यस दैट सुपर सोल, अंतर्मुखी सुपर सोल कृष्णा, ही इज द गोल ऑफ माई लाइफ, अंतर्मुखी है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। पर ब्रह्म से है कौन? कृष्णा। कृष्णा इज नोन एज पर ब्रह्म, दैट मीन्स सुप्रीम स्पिरिट। ब्रह्म का मतलब क्या है? एक मतलब है स्पिरिट, सो वी आर ऑल्सो स्पिरिट, तो हम लोग क्या है? सोल। सोल इज ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, I am spirit soul, yes, but I am not Parabrahmasmi. We are not gods. Krishna is Parabrahma. ठीक है, so that way वह परब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करता है, अंतोद्गत्वा
ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी कि ट्रांसेंडेंस यानी दिव्यता को प्राप्त करता है। जैसे हमने पहले बताया था ब्रह्म का शब्द का मीनिंग जहां पर सेंटेंस को जस्टिफाई करता है, दैट इज एज पर द आचार्यस वी टेक द मीनिंग ऑफ ब्रह्म, बिकॉज ब्रह्म इज वेरी जेनेरिक वर्ड ऑफ दिव्यता। तो दिव्यता के कौन से एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा है, तो देखा जाएगा कि ओके दिव्यता को कहां पर यूज किया गया, देन वी टेक द मीनिंग अकॉर्डिंगली। ओके, तो जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत के परे हैं, दैट मींस डुअलिटी के परे हैं, डुअलिटी किसे आती है, इंद्रियतृप्ति से, इसको भोग करना है इसको भोग नहीं करना, ये मेरे बस का है, ये मतलब का नहीं है, जो मेरे मतलब को पूरा करेगा वो मेरा दोस्त है और जो मेरे मतलब को पूरा नहीं करेगा दुश्मन है, इस डुअलिटी के परे है, इस द्वैत के परे है वो, ठीक है जी। अच्छा क्यों, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, यानी कि इंद्रियतृप्ति में रत नहीं है, आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, समस्त भला औरों का कल्याण कैसे करते हैं, जीवों का कल्याण कैसे करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं औरों को मैंगो शेक बांट करके, मैंगो शेक ऑफ भक्ति इसको बांटते हैं वो। वैसे कल्याण कार्य और भी होते हैं, भी हमने अनाथ आश्रम खोल दिया, वृद्धाश्रम खोल दिया, या दे आर ऑल्सो गुड शरीर के लेवल पे, या इट्स गुड नाइस, लेकिन परम कल्याण कार्य है व्यक्ति को ये रस देना, ये जो मैंगो शेक है ना भक्ति का, ये देना, दैट्स द टॉप मोस्ट एक्टिविटी। तो इसीलिए फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दिस पर्सन इज नाउ सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, यानी कि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति ट्रांसेंडेंस यानी दिव्यता में स्थित रहता है, बिकॉज वो खुद भी इसको चख रहा है साथ ही औरों को भी बांट रहा है दिव्यता का सुख, लाइक दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, ओके जो क्रोध और भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हुए करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में हो जाती है जी। तो जो इनसे परे हैं, डिमांड्स और सेंसेस के परे हैं, और जो इसको चख रहे हैं और इसको बांट रहे हैं, उनके लिए बहुत ही निकट भविष्य में दे विल बी लिबरेटेड। वाओ, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बहों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा आपान वायु को नथनों के भीतर रोक करके, ओके, यानी कि मैंने आई हैव इनहेल्ड, और इस तरह मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो बेसिकली अब 6th चैप्टर शुरू होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर इज 6th चैप्टर नाउ, तो इसीलिए अब उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो रहा है 5th चैप्टर के आखिर में। सो दीज आर नाउ द लास्ट फ्यू वर्सेस ऑफ द 5th चैप्टर, ठीक है जी। ओके, नाउ हियर कम्स द लास्ट वर्स ऑफ द 5th चैप्टर, भुक्तारम यत तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मांगो, दैट मींस कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मानो, दैट मींस ही इज द सुप्रीम प्रोप्राइटर, क्योंकि सारे देवी देवता भी इनके अंडर में आते हैं, सारे लोक भी इनके अंडर में आते हैं, सारा पैसा भी इनका है, बेसिकली ही इज द अल्टीमेट प्रोप्राइटर, यस। और जीवों का उपकारी तथा एवं हितैषी जान करके सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों का, ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्य का नहीं, सभी जीवों का, सिर्फ इंडियंस का नहीं, सभी जीवों, सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सभी जीवों का, सर्वभूतानाम, ठीक है, जो ये जानता है कि मैं सबका सुहृद हूँ। सो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉय एंड द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड ही इज ऑल्सो द सुहृदम, ही इज द टॉप मोस्ट वेलविशर। अब ये सुहृदम शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली जो दोस्ती होती है तो उसके भी कई सारे शब्द होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है मित्र, एक है सखा, एक है बंधु, अरे तुम्हारे बंधु हो रे, लेकिन जो सबसे ज्यादा निकटतम होता है तेरे दिल की बात मैं जानू, उसको बोलते हैं सुहृद, पर्सन इज वेरी क्लोज टू द हार्ट। कृष्णा ये नहीं कह रहे कि ना मैं सबका मित्र हूं या सिर्फ सखा हूं या बंधु हूं, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड, द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड इज सुहृद, जो कि दिल की बात जानता है सुहृद। सो कृष्णा इज सुहृदम, दैट मींस ही इज द टॉप मोस्ट वेलविशर। तो जो ये जानता है दैट कृष्णा इज टॉप मोस्ट वेलविशर एंड ही इज अल्टीमेटली द एंजॉयर, ही इज द प्रोप्राइटर। जब जब मैंने एंजॉय करने का प्रयास किया, आई वॉन्टेड टू बी एंजॉयर, उतना मेरी बहुत पिटाई हुई है, सोचा मैं किसके साथ मजा करूंगा, आई बी हैप्पी, अरे उसी ने मेरा खून चूस के मेरा ऐसी तैसी कर दी। प्रोप्राइटर, अरे मेरे कभी क्या कुछ जो आता है वो चला भी जाता है भाई, ये इतना, दैट मीन्स यार ये अल्टीमेटली कृष्णा इज एंजॉयर एंड ही इज द प्रोप्राइटर। अच्छा तेरा रिश्ता क्या है भाई उनके साथ फिर? वेल, ही इज माई टॉप मोस्ट वेलविशर। जो ये बात जानता है
ठीक है, जो ये तीनों बातों को स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में होगा क्या भला? ऐसे व्यक्ति जीवन में क्या होगा? ज्ञातवा माम, जो ये जानता है कि मैं आई एम द वेल विशर, आई एम द एंजॉयर, एंड आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ एंटायर क्रिएशन, एंड आई एम वेल विशर ऑफ एवरीवन, सर्वभूतानाम, इसका रिजल्ट होगा दैट यू वुड बी पीसफुल. यस, सो हियर इज द पीस फॉर्मूला. क्या पीस फॉर्मूला? वेल, पीस फॉर्मूला कम्स इन चैप्टर 5 वर्स नंबर 29, देन वन हु नोज दैट कृष्णा इज द एंजॉयर, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर, कृष्णा इज माय वेल विशर, जो ये बात जानता है, ऐसे व्यक्ति को शांति मृच्छति, ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है. लाइक दैट. तो इसीलिए अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वेल हियर कम्स अ पीस फॉर्मूला. अगर आप चाहते हैं इसका उल्टा करेंगे ना, आपकी सारी पीस खत्म हो जाएगी. अगर आप भगवान को नहीं मानते कि भगवान का क्या रोल है हमारे जीवन में, जी हैं, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोवाइडर, तो आप तो आ जाएगा पीस लेस फॉर्मूला. इन केस यू वॉन्ट टू बी रियली हैप्पी, वेल दैट्स अ वे एक्चुअली. सो ये था 5th चैप्टर. थैंक यू ऑल वेरी मच. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू. Alright, so dear listeners, for a systematic course on spirituality, you can register. Yes, the name of the course is Spirituality for Modern Age, SMA. So, iske liye aap ja sakte hain is website pe. Iska link niche description box mein diya gaya hai. www.revivingvalues.com. Aur wahan par jaakar aap register kar sakte hain. Paisa kitna? Absolutely free. Aur har ek session ke saath hoga ek Q&A. So, session plus Q&A per week aapke liye hoga. So session होंगे, उसके बाद then you can send your questions and then we would answer them. और आप उन sessions को बाद में भी सुन सकते हैं अगर आप उस वक्त available नहीं हो पाए. That's understood, that's absolutely okay. उसको बाद में भी आप सुन सकते हैं. So please go and register for Spirituality for Modern Age, revivingvalues.com. Registration is absolutely free. Hare Krishna. So see you there.